पास वह सिकंदरा आने वाला है। ये देखो सिकंदरा से पहले ही कितने सारे यहाँ पे दुकानें हैं, रेस्टोरेंट भी हैं। मतलब सिकंदरा एक अच्छा जगह है, सिकंदरा मतलब काफ़ी अच्छा एरिया है। 4 किलोमीटर है ओनली, लेकिन 4 किलोमीटर में देखो एरिया कैसे। तो भाई आप लोग देखो मजे ले, वो भी सफ़र के जैसे पुलिया है ना यहाँ पे, पता है छोटी सी धचकी में बहुत तेज लगती है, गाड़ी पूरी उछलती है। तो भाई आप इस तरीके के देख सकते हो कैसी जगह है। टोल प्लाजा भी आने वाला है, टोल प्लाजा से पहले ऐसे कतरा तो जिसे को रायपुरा हो भाई रुक जाओ, एकदम रायपुरा में आ गए। अरे टोल प्लाजा का क्या दिया, अच्छा ये रूल दिया है टोल प्लाजा है नहीं, एक्चुअली टोल प्लाजा आगे है, सिकंदरा को पार करते ही है टोल प्लाजा, अभी नहीं है। सिकंदरा तक तो कोई टोल प्लाजा नहीं है, बस सिकंदरा तक तो ये चल रहे। अब देखो गाइस मैं बोल रहा था ना पत्थरों का काम, सिकंदरा आते ही देखो पत्थरों का काम स्टार्ट। तो गाइस इधर यहाँ पत्थरों का ज़्यादा काम होता है, वो भी ऐसे पत्थरों के डिजाइन किए हुए बांसी के पत्थरों का। अभी तो मतलब वो 2 किलोमीटर फिर भी देखो पत्थर स्टार्ट हो गए हैं यहीं पर, पत्थर अभी इंडस्ट्री यहाँ पे कटिंग वटिंग होती है, पत्थरों की डिजाइन बनती है, सारा काम होता है यहाँ पे। तो जैसे आप कभी भी आओ कुछ भी अगर खरीद सकते हो तो यहाँ पे सिकंदरा में खरीद सकते हो। ये देखो गेस्ट हाउस में भी है, सोचो सिकंदरा में और वो गेस्ट हाउस, कितनी बड़ी बात है। फिर देखो गाइस अब हम आते हैं सिकंदरा, नहीं नहीं अभी सिकंदरा देखो गाइस कितना इधर कुछ काम चल रहा है इसलिए। ये देखो गाइस यहाँ पत्थरों को देखो, मेन चीज पत्थरों की डिजाइन। ये गाइस कोई कोई जगह जैसे मकराना में वहाँ मार्बल का काम है, ऐसे ही सिकंदरा में यहाँ पे इन पत्थरों का काम है। ये स्टॉप ओ भैया ट्रैक्टर वाले भाई सब बीच में चल रहे हैं एकदम, कोई ना 2 मिनट लेट सही लेकिन जल्दी नहीं। ओ हो क्या बात है, देखो कैसे कैसे पत्थर जा रहे हैं यार वास्तव में। ये जो चीरी होते हैं चीरी वो हैं, इन्हीं की डिजाइन होती है, इन्हीं को बिछाया जाता है, लेकिन इनमें खतरा तो रहता है गाइस जो काम करते हैं ना इनमें, वही सच बता रहा हूँ यार। इतनी मतलब इतना रिस्की काम है कि इसमें ना अगर पत्थर लग गया ना पैर वैर में तो पैर कट गया, कटे बिना नहीं रहा जाएगा। और गाइस ये धौलपुर वोलपुर साइड में वहाँ पे मिलता है ये पत्थर, वहाँ पे जो पहाड़ पे ना मैं तो एक बार गया हूँ तो मैंने देखा है एकदम पूरा पूरा मतलब पहाड़ है ना उसमें इतना तगड़ा पत्थर रहता है जैसे ट्रक है ना इसके बराबर पूरी मतलब एक स्लोप, जैसे ये रोड है ऐसे स्लोप है, तो उन्हीं में से ये लोग है ना टुकड़ा कर करके निकालते पत्थरों को फोड़ के झूमरा से या फिर जैसे भी डिजाइन में उस टाइम में निकालना है, वहाँ से पहले पत्थर आता है फिर डिजाइन में ये लोग करते हैं यहाँ पे कटिंग वटिंग करते हैं। धौलपुर उधर भी काम होता होगा जैसे सरमथरा साइड में होगा, सरमथरा में ही है मतलब वहाँ पर ही निकलता है मेन तो पत्थर, तो वही है गाइस यहाँ पे पत्थरों के अलावा। अब देखो मैं बोल रहा था ना यहाँ दुकानें बहुत सारी हैं, और भी दुकानें हैं पत्थरों के अलावा, पत्थरों का काम उधर हो गया है, आगे भी हैं 2-4 दुकानें पत्थरों की, बाकी गाइस और भी दुकानें हैं इधर। तो गाइस ये आ गया सिकंदरा, इधर से इधर दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, बांदीकुई दिल्ली अलवर। तो मैं पहले दिल्ली जाता था तो इधर होके जाता था अपाची गाड़ी से, वो भी मॉर्निंग में जाता था मैं, 6 बजे निकलता था भाई, सच में बता रहा हूँ 3 घंटे पहुँच जाता था। रोड सुबह सुबह बहुत अच्छा मिलता है, अगर कहीं जाओ लंबी जर्नी हो तो आप सुबह सुबह निकलो 5 या 6 बजे के लगभग, मज़ा आ जाएगा आपको। क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है ना वहाँ पे 11-12 बजने के बाद तो एकदम भीड़ लगने स्टार्ट हो जाती है, जाम ही जाम मिलेगा आपको, तो इससे अच्छा सुबह सुबह जाओ ना ताकि जाम वाम भी ना मिले। तो गाइस हम ये सिकंदरा को हम पार करते हैं, देखो मैं पत्थरों का बोल रहा था यहाँ भी है पत्थरों का काम, बस यहाँ सिकंदरा और मानपुर में ही पत्थरों का काम, बाकी आसपास और जगह नहीं है। तो
भाई अब आ जाएगा टोल प्लाजा, जिस टोल की बात कर रहे थे वो अब है, जस्ट सिकंदरा को निकलते ही 200-300 मीटर दूरी है। देखो भाई डिजाइन की हुई, देखो कैसी मूर्तियाँ हैं यार, सच बता रहा हूँ ये कारीगरों को तो सैल्यूट है यार। मतलब इतनी अच्छी डिजाइन करना, वो पहले कहते थे ना कि राजा महाराजा एक ही पत्थर से इतना कुछ डिजाइन कर लेते थे, आजकल चलो ठीक है थोड़ा कम है लेकिन है तो कलाकारी तो है यार, कहीं ना कहीं इंसानियत में छुपी हुई, इंसान में छुपी हुई है कलाकारी। पहले तो अपने राजा महाराजा बुजुर्ग हैं वहाँ उस टाइम तो कलाकारी खतरनाक थी, इसलिए तो कहते हैं ना अजंता की गुफा इनको देख लो ये पूर्व, इसलिए भाई एंशियंट पढ़नी पड़ती है, एंशियंट हिस्ट्री इसी के लिए, कल्चर पढ़ना पड़ता है भाई। मेरा ये समझ नहीं आ रहा है गाड़ी बगल में से निकली पोंक पोंक करते हुए, इतनी फास्ट निकाल रहा है, देख ओहो सच में ये साला मरेगा, देख ट्रक के आगे भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ यार, ऐसे लोगों को तो है ना, मैं कह रहा हूँ ना मेरे हाथ में हमेशा हेलमेट कभी कभी रहता है, जब ये अगर कार वाले करते हैं तो सच बता रहा हूँ सीसा फोड़ दूंगा, मेरे को तो अभी भी गुस्सा आ रहा है इन पे यार, ऐसे कोई चलाता है क्या यार, या फिर मेरे पे अगर ये ट्रक व्रक सा होता है इनसे बोलूँ भाई कुचल दे, क्योंकि ऐसे लोग हैं ना मतलब दूसरों को और भड़का के मतलब दूसरों औचर चूक हो जाता है और एक्सीडेंट होने का फुल डर रहता है, ये अपने आप को ऐसे ऐसे समझते हैं मास्टर माइंड, ऐसे ही लोग जल्दी से ऊपर जाते हैं। सच बता रहा हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है कि ना किस दिन अगर पाना पड़ गया ना इनसे, पाला पड़ गया सच बता रहा हूँ हेलमेट से ना शीशा फोड़ दूंगा और सिर और फोड़ दूंगा इनका, ऐसे लोग हैं ना, अब ये कहते हैं पुलिस वाले चालान, ऐसे लोगों को चालान काटो यार, ऐसे लोगों को रखो जेल में यार, कम से कम देखा तो करो यार सामने वाला कोई कैसे चला रहा है, उसकी उसके हिसाब से चला, वो ट्रक के सामने होके एकदम कट मारा है तो फिर बोलते हैं यार ट्रक वाले गलती है उसकी गलती है, भैया किसी कोई गलती नहीं है, इन्हीं की गलती होती है, ये जो ये ज़्यादा स्टाइलिश दिखाते हैं ना, तो मैं दिखाने की ज़रूरत क्या है भाई। एनीवे गाइस हम टोल को छोड़ चुके हैं, सिकंदरा को छोड़ चुके हैं, और ये गाइस ये पेट्रोल पंप पे मैंने बहुत बार पेट्रोल भराया है, क्योंकि सिकंदरा के बाद यही पेट्रोल पंप मिलता है, मतलब हमारे बालाजी से आते हैं ना तो यही पेट्रोल पंप मिलता है, तो सबसे पहले यहीं भराना पड़ता है हमें पेट्रोल। मैं तो क्या है ना हमेशा बाइक ही बाइक से आता हूँ, तो गाइस देखो यहाँ का देखो नज़ारा गाइस कितना अच्छा लगता है, सच बता रहे हैं, ये जो बगल में पेड़ हैं ये बड़े बड़े चंदन के, किसके बोलते हैं चंदन के नहीं बोलूँगा, नहीं चंदन जैसे हैं, और देखो इनकी वजह से छाया भी हो रही है, तो अच्छा मौसम भी हो गया है, हवा तो खैर ठंडी ठंडी चल ही रही है, इनकी वजह से यार धूप नहीं पड़ रही ना, वो जो चिलकनी धूप होनी चाहिए जो ये छाया की वजह से, और बाकी गाइस देखो सफ़र है ये भगवान के भरोसे ही चलता है, हम लोग को अपने हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए ताकि अपने से कोई दूसरा भी दुखी ना हो। बाकी गाइस हम आ गए हैं इस तरीके की जगह पर, देखो यहाँ पे घुमाव है कितना अच्छा है, और गाइस ये पता नहीं कौन सी जगह है मुझे आइडिया नहीं है, दुब्बी, ओहो दुब्बी आ गया गाइस, दुब्बी आ गया था यहाँ पे, क्या दुब्बी का पुलिस स्टेशन भी है आगे, दुब्बी का पुलिस स्टेशन यहाँ पे नीचे सपाट सिंह है, ये सपाट ऐसी है कि मतलब कितनी अच्छी लगती है, देखो इसको सच में कैमरे बहुत अच्छी लग रही होगी, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये रोड ही है ना बहुत शानदार लग रहा है एकदम, ये इधर दुब्बी का पुलिस स्टेशन राइट साइड में, देखो ये दुब्बी का मुझे बहुत अच्छी लोकेशन लग रही है, यहाँ पे हरियाली चारों तरफ और रोड भी ऐसा बना दिया है कि शानदार। बाय गाइस हम मिलते हैं अब आपको 200 में।